देखो विद सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो आपका ये VBB है, ये करंट IB हो गया, ठीक है, ये करंट को बोल देते हैं IC, क्योंकि PN है ना, तो PN में यहाँ से यहाँ जाएगा, तो IE इधर आ रहा है, तो IE अगर बाहर आता है तो IB और IC अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जैसे देखो मैंने मान ली करंट आई भी जा रही है, बैटरी लग रही है, ठीक है, यहाँ पर बेस एमीटर को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, बेस एमीटर को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर ड्रॉप मैं बेस और एमीटर के बीच लेट से VBE बोल देता हूँ, तो आप KVL लगाओ एक बार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक KVL लिखो, आप वापिस घूम के इस पे आओ एक बार, कैसे आओगे वापिस घूम के, कैसे आओगे इस पर, VA माइनस IBRB, ठीक है, ड्रॉप हो गया, हम यहाँ पर ड्रॉप मान लेते हैं, बेस एमिटर में VBE ड्रॉप है, ठीक है, माइनस VBE, क्या लिखोगे इसको, माइनस VBE, आगे चले, आगे कुछ नहीं, यहाँ पर बैटरी प्लस VBB इज इक्वल टू कहाँ पर आ गए, ए पर आ गए, तो इसको काट दो, ठीक है, तो क्या निकल के आ गया आपका VBB, या आप कह सकते हैं इनपुट इज इक्वल टू VBE प्लस IBRB। तो एक तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है ना, इतना बनाने का भी टाइम नहीं है कि बायसिंग सर्किट में इनपुट वोल्टेज जो ये बैटरी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू VBE प्लस IB इंटू RB। IB क्या है, बेस रेजिस्टेंस, RB क्या है, बेस करंट बोलते हैं इसको, बेस रेजिस्टेंस, बेस करंट, ठीक है, एंड VBB क्या है, आपने जो बैटरी लगाई है एज ए इनपुट जिसको बोला है आपने वो है, ठीक है, तो VBB इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू VBE प्लस IBRB, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक KVL लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दोनों निकल रहे हैं KVL से, तो VP प्लस ICRC, या इधर से लिखा है मैंने, तो VQ प्लस VCC माइनस IC इंटू RC, और कहाँ पहुंच गए, P पॉइंट पर पहुंच गए, इक्वल टू VP, बताओ क्लियर है। VQ शुरू करा आपने, VQ अपोजिट डायरेक्शन में प्लस VCC करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप करना है इज इक्वल टू VP, तो VP माइनस VQ कितना आ गया आपका, VP माइनस VQ आ गया, VCC माइनस ICRC आ गया, ठीक है, VP माइनस VQ कितना आ गया आपका, VCC माइनस IC इंटू RC आ गया, ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक है ना, तो ये आउटपुट वोल्टेज आ गया। अब एक पैरामीटर है जो हमेशा फिक्स है ट्रांजिस्टर के, लिखा हुआ होता है करंट गेन, ठीक है, तो ये जो IC और IB का रेशियो है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर का करंट गेन बोलते हैं, ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है, अभी कांस्टेंट क्यों है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना, बट ट्रांजिस्टर का ये क्या कहलाता है, करंट गेन कहलाता है, IC, ये गिवेन होता है आपको 150, मैंने बताया ना IC बहुत ज्यादा है IB के कंपेरिजन, ठीक है, IC इज मच लार्जर देन इन कंपेरिजन टू IB ट्रांजिस्टर में हमेशा, तो ये बीटा का जो कांस्टेंट होता है इसका 150, 200, 250, 300 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस आपको हमेशा ध्यान रखनी है ट्रांजिस्टर में, इनको नहीं भूलना है बेटा कभी, ठीक है ना, इनको कभी भी नहीं भूलना है कि इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा आपका, VBE प्लस IBRB हो जाएगा, VBE प्लस IBRB, आउटपुट कितना हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर वन, ये आपका इक्वेशन नंबर टू, बीटा कितना हो जाएगा, IC अपॉन IB, बीटा हो जाएगा, ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB हो जाएगा, ठीक है, ये तीन इक्वेशन है जो आपके ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने कराने वाली है आपसे, ठीक है, कोई भी एक अननोन हो सकता है इसमें, ठीक है, और तीनों इक्वेशंस भी लग सकती हैं, हो सकता है इसी दो से भी सॉल्यूशन आ जाए, बट तीन के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, ज्यादा से ज्यादा एक वोल्टेज गेन का फार्मूला भी और निकाल लेंगे, ठीक है ना, बट वोल्टेज गेन तो तब निकलेगा जब पहले ये तीनों इक्वेशन से कुछ निकल जाए,
ठीक है, तो ये तीन बेसिक इक्वेशन ध्यान रखेंगे। केवीएल से मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका प्लॉट ड्रॉ करिए। आपका टारगेट था कि आप एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर सकते थे कुछ भी, बट आपने कुछ केवीएल वेवीएल लगा के देखा तो यहाँ पे कुछ रिलेशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपका शुरू में क्या होगा, IB0 होगा। बताओ क्यों होगा अगर आपने 0 से शुरू किया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो एमीटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस से ध्यान दिया आपने PN, तो ये क्या है फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, दो PN जंक्शन है ना, एक एमीटर बेस और एक कलेक्टर बेस। तो एमीटर बेस जंक्शन क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर ही हमेशा रहेगा आपके केस में, एप्लीकेशन जितने कोर्स में हमारे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो ये मानते हुए फिर आपने क्या करा, केवीएल लिखा, तो पहली इक्वेशन आ गई, यहाँ पे भी केवीएल लिखा, सेकेंड इक्वेशन आ गई, रेशियो कांस्टेंट होता है जो ट्रांजिस्टर पे लिखा होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है प्रोसेस बायसिंग की। तब तो आप अगर प्लॉट ड्रॉ करते हैं इसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर मस्ट बी, देखो एक्टिव तीन रीजन होते हैं बेटा, अभी ये वी नॉट और वी आई का प्लॉट है। ठीक है ना, आप, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मान लो आपने बिल्कुल कम वोल्टेज की बैटरी लगाई, तो आपका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो है बट स्टिल करंट नहीं चल रहा है, तो ये बताया गया था आपको, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो भी हो सकता है करंट ना हो। ठीक है ना, अगर आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम की बैटरी लगा रखी तो करंट कहाँ से होगा, तो पहला वही केस है। ठीक है ना, कि आपका ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो हो गया बट ये जो वोल्टेज है इनपुट, ये उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम है, तो एमीटर से कोई करंट नहीं चलेगी। और मैंने आपको बताया अगर एमीटर से करंट नहीं चलेगी तो आईसी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, आईसी भी नहीं होगा, क्लियर है, तो आपका आईसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो आईसी अगर जीरो हो गया तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, वीसीसी के। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्रॉस करेगा तो आईबी आ जाएगा, फिर आईसी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो देखो आपका आउटपुट वोल्टेज कम होना शुरू हो गया। तो इनिशियली आउटपुट वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ पर है वी नॉट, ठीक है ना, जो किसके बराबर है, वीसीसी के बराबर है। अब आपका वोल्टेज इनपुट बढ़ाते जा रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो पहले बहुत देर तक तो कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट है, जब तक एमीटर से करंट चला ही नहीं है तब तक कांस्टेंट है। ठीक है ना, जब तक एमीटर से करंट चला ही नहीं है तब तक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आईसी के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है ना, फिर ये आप पे ऑलमोस्ट लीनियर भी हो जाता है, अब आप बढ़ाते जाओ। ठीक है ना, अब आप इनपुट वोल्टेज बैटरी का बढ़ाते जाओ, यहाँ जो बैटरी लगी है आपकी, ठीक है ना, इसको आप बढ़ाते जाओ, तो किस तरह से प्रोसीड करेगा, आईसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये आप चेंज नहीं कर रहे वीसीसी, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना, और एक स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आईसी बढ़ना बंद हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये भी हम नहीं समझ सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आईसी की वैल्यू फिक्स हो जाती है। ठीक है, और उस टाइम पर आपका आउटपुट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। तो तीन रीजन बहुत क्लियरली है इसमें, पहला जबकि एमीटर से करंट चला ही नहीं था, पूरे सर्किट में करंट जीरो था, ये रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन। ठीक है ना, सेकंड रीजन जब तक आईसी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी और ये वी नॉट कम होता जा रहा था, वो पूरा कहलाता है आपका एक्टिव रीजन। फिर एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज के बाद आपका क्या हुआ, सेचुरेशन आ गया, आईसी ने बढ़ना ही बंद कर दिया। ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो, देखो ये तो वही है 0.6 वोल्ट है। ठीक है ना, ये 0.6 वोल्ट है, यहाँ पर V1 जो है सर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए V1 कितना, 0.6, और ये कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। तो वोल्टेजेस करंट बहुत कम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेजिस्टेंसेस पूरे किलो ओम मेगा ओम के ऑर्डर के होते हैं। ठीक है ना, यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल में आपके वोल्टेजेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत कम है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, किसी तरह का कोई डाउट?
तीन इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे। तो कट ऑफ हो गया, कट ऑफ है, कोई करंट नहीं है। एक्टिव रीजन जहां पे आईसी वेरी कर रही है, सेचुरेशन रीजन आईसी कांस्टेंट बढ़ना, अब और कम होना बंद हो गया। तो देखो आइडियल केस में या कुछ नहीं गिवेन हो ना, इसको आप जीरो भी ले लेते हैं, यहाँ पर आउटपुट जीरो ही हो गया, ये भी बहुत बार घट, ठीक है ना। तो आईसी की जिस वैल्यू पर ये जीरो हो जाता है वो सेचुरेशन करंट कहलाती है, ठीक है। तो वही तीनों इक्वेशन है, बस ये आपको ये ध्यान रखो, तीनों एक साथ लिख दिए मैंने ट्रांजिस्टर को सॉल्व करने की। कट ऑफ में वही बात लिखी हुई है, लिख लेंगे पूरा अच्छी तरह। एज लॉन्ग एज वी आई इज लेस देन वी वन, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ही क्रॉस नहीं कर रहा है, देयर विल बी नो करंट आई सी, हेंस फ्रॉम इक्वेशन टू क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट, और ये तब तक कॉन्स्टेंट रहा जब तक कि उसमें करंट नहीं चलने लग गई। एक्टिव रीजन में वी आई ग्रेटर देन 0.6, 1 वोल्ट के बीच में, देयर विल बी आई सी, एंड फ्रॉम इक्वेशन टू वी नॉट डिक्रीजेस, ठीक है ना। एज आई बी, क्योंकि आई बी आप बढ़ रहा है तो यहाँ पर आई सी भी बढ़ रहा है। सेचुरेशन रीजन क्या है, सेचुरेशन रीजन आई सी बिकम कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद वी आई, ठीक है। तो एल्फा एंड बीटा पैरामीटर, तो बीटा आपने याद कर लिया, उतना ही इम्पॉर्टेंट एल्फा भी होता है। जितना इम्पोर्टेंट बीटा है आपके लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट एल्फा भी है, ठीक है। तो एल्फा कितना होगा आपका, एल्फा होगा आई सी अपॉन आई, तो आई याद कर लो बेटा, भूलना नहीं, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, एल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई। फिर ये मैंने आपको रिलेशन बताया, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो उसमें फुट करके आप एल्फा और बीटा का रिलेशन भी ध्यान रख सकते हैं। इसको याद ही कर लो, बहुत ज्यादा आता है, बीटा इज इक्वल टू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ठीक है ना। बीटा इज इक्वल टू एल्फा और बीटा, एल्फा पैरामीटर्स का नाम नहीं है, एल्फा का बीटा का है, एल्फा ही बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एल्फा एंड बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, क्या डेफिनेशन है ये तो याद हो गई, आप पहले याद करा, ये भी कभी कभार कुछ यूज हो सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना जितना मैंने बताया, तो कल से हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कल क्लास 2 बजे ही, अभी तक तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को 2 बजे क्लास में। नो सर।